नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम लक्ष्मीकांत है और आज हम स्टूडियो में बात करेंगे 12 और 80 जी रजिस्ट्रेशन के बारे में। बहुत सारे लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि सर हमें 12 और 80 जी रजिस्ट्रेशन करना है तो इसके लिए कितना खर्चा आता है। तो देखिए यहाँ पे दो बातें हैं। अगर आप किसी प्रोफेशनल को हायर करते हैं, किसी CA को, एडवोकेट को या फिर कंसल्टेंट को, तो वो अपने अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आपको फीस बताएंगे। फीस मार्केट में 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, 50,000 तक फीस इसकी चल रही है, ठीक है। तो अगर आपके संस्था के पास फंड है, ग्रांट आता है, डोनेशन आता है, तो आप किसी प्रोफेशनल को हायर करके जो भी 12 और 80 जी का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपके संस्था के पास फंड, ग्रांट या फिर डोनेशन आता है तो, अगर नहीं आता है तो नहीं आता है तो आपके पास एक सोल्यूशन है कि आप खुद अप्लाई कर सकते हैं 12 और 80 जी के लिए। अप्लाई कैसे करते हैं, कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर मैं शॉर्ट में एक समरी बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, कौन सा फॉर्म भरना है और इनकम टैक्स की वो जो साइट कौन सी है और कैसे लॉग इन करके अंदर जाना है, ठीक है। तो इसका एक फायदा क्या होगा कि आपका जो फीस, जो भी आप किसी प्रोफेशनल को फीस देने वाले हैं, वो आपकी फीस बचेगी और वही फीस किसी अच्छे काम में आप लगा सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि संस्था नहीं बनी होती है और संस्था के पास उतना फंड या पैसा नहीं होता है, तो फिर 12 और 80 जी रजिस्ट्रेशन लेने में दिक्कत भी होती है और संस्था को आगे बढ़ने में भी दिक्कत होती है। क्योंकि जब तक 12 और 80 जी का सर्टिफिकेट नहीं है, तब तक कोई डोनेशन नहीं देता, ग्रांट भी नहीं मिलता, और लेना चाहते हैं तो हमारे पास फंड भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। तो इसी का है सोल्यूशन, मैंने आपको बता रहा हूँ कि आप खुद अप्लाई कीजिए। आजकल तो हर किसी को कंप्यूटर चलाना आता है, हर किसी के पास इंटरनेट है, तो 5-10 मिनट का काम है आपको। आप बैठिए, वीडियो देखिए मेरा, अगर नहीं समझ में आया तो 2-2, 3-3 बार देखिए, फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं गाइडेंस के लिए हूँ, लेकिन गाइडेंस फ्री में नहीं मिलेगा, उसकी कुछ ना कुछ अमाउंट या फीस आपको पे करनी पड़ेगी। अगर फ्री में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहां पे आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो देखिए पहला स्टेप क्या है कि आपको अगर अप्लाई करना चाहते हैं आप 12 और 80 जी, तो पहले आपको ना डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने पड़ेंगे, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है। बाकी ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग है, अगर आपको सबमिट करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है। फर्स्ट ये है कि आपको कौन सी वेबसाइट के ऊपर जाना है। यहाँ पे लिखा है मैंने incometax.gov.in, इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और आप फॉर्म 10A भरेंगे। फॉर्म कौन सा भरेंगे, फॉर्म 10A, ठीक है। 12 और 80 जी के लिए सेम फॉर्म है, फॉर्म 10A, उसके अंतर्गत आप अप्लाई करेंगे। अभी अप्लाई करने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, मैंने यहाँ पे लिस्ट दी है। यहाँ पे एक तो है कि आपका अगर ट्रस्ट है, सोसाइटी है या फिर सेक्शन 8 कंपनी है, तो उसका सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको रेडी रखने हैं। किसी किसी स्टेट में क्या है कि ट्रस्ट का सर्टिफिकेट नहीं होता, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सिर्फ ट्रस्ट डीड रहता है, तो उसके में उस स्टेज में आपको क्या करना है, ट्रस्ट डीड पूरा स्कैन करके रखना है आपको। उसके बाद आता है ट्रस्ट का पैन कार्ड। बहुत सारे लोगों के पास तो ट्रस्ट का पैन कार्ड ही नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो पहले अप्लाई कीजिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं पैन कार्ड के। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है आधार कार्ड और पैन कार्ड। आधार कार्ड और पैन कार्ड लगेगी सारे मेंबर्स के। अगर सारे मेंबर्स के नहीं है तो कम से कम 2 या 3 मेंबर के आप इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। और हमारा जो 5वां पॉइंट है, पास्ट 3 ईयर्स ऑडिट रिपोर्ट। अगर आपकी संस्था 3 साल से ज्यादा पुरानी है तो आपको 3 साल के ऑडिट रिपोर्ट वहां पे सबमिट करने होते हैं। अगर 2 साल पुरानी है तो 2 साल की ऑडिट रिपोर्ट, 1 साल पुरानी है तो 1 साल की ऑडिट रिपोर्ट, अगर हाल ही में बनी है, अभी बनी है, तो फिर ऑडिट रिपोर्ट वहां पे सबमिट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट है ही नहीं तो कहां से सबमिट करेंगे आप। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है आपको स्कैन करके अच्छी तरह से क्लियर स्कैन करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, फोटो खींच के कुछ ना कुछ उल्टा सीधा लगा के PDF बना के अपलोड करते हैं, फिर बाद में रिजेक्ट होने के बाद सर पकड़ के बैठते हैं। तो यही आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ, देखिए हर काम का एक प्रोफेशनल तरीका होता है। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्टेड चाहिए। कोई भी प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी या फिर कोई भी ट्रस्ट का मेंबर जिसको आप ऑथोराइज करने वाले हैं, उसका सिग्नेचर या फिर सेल्फ अटेस्टेड आपको इस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लेना है। उसके साथ ही संस्था की जो मोहर है, स्टैंप है, वो आपको लगाना है उसके ऊपर। अगर आपको इसके, बहुत बार ये क्या होता है कि ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है ना, हर डॉक्यूमेंट्स की साइज आपको 5 MB रखनी है, 5 MB से ज़्यादा नहीं रखना है। अगर 5 MB से ज़्यादा हो गई तो सिस्टम जो है
वेबसाइट वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा। तो पहले से जब अपलोड करने से पहले ही आपको डॉक्यूमेंट्स की साइज़ देखनी है। अगर 5 MB से ज़्यादा है तो वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे वेबसाइट ऐसे अवेलेबल है इंटरनेट पे कि जो साइज़ रिड्यूस करके देते हैं आपको, तो वहाँ से आप साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको आना है गूगल क्रोम में। यहाँ पे मैं कुछ समरी बताऊंगा आपको कि कहाँ पे वो फॉर्म अवेलेबल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फॉर्म ही मालूम नहीं है 10A का। तो इंटरनेट पे आने के बाद यहाँ पे फाइलिंग इनकम टैक्स ऐसा सर्च करना है गूगल पे। फाइलिंग इनकम टैक्स करने के बाद देखिए जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी वो इनकम टैक्स की आएगी। यहाँ पे आपको आना है। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको करनी है। अगर आपका पैन कार्ड रजिस्टर्ड नहीं है इस वेबसाइट के ऊपर तो आपको पहले रजिस्टर करना है। अगर ऑलरेडी रजिस्टर है तो फिर कोई बात नहीं, यहाँ पे पैन नंबर डालिए संस्था का यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे आपको संस्था का पैन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, फिर उसके बाद ही आप वहां पे एंटर करेंगे उसके अंदर वेबसाइट के अंदर, ठीक है। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आपको रीसेट करना है। रीसेट कैसे करते हैं इसके ऊपर भी मैंने वीडियो दे दिया है वो, अगर आपको मालूम नहीं है, नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, वहां पे आपको वो लिंक मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद देखिए यहाँ पे पासवर्ड डालना है आपको, और यहाँ पे जो चेक बॉक्स है यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक टिक मार्क लगाना है यहाँ पे, ठीक है। देखिए लॉगिन करने के बाद हम तो एंटर हो गए वेबसाइट के अंदर, तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन दिख रहा है ना ई फाइल का, यहाँ पे ई फाइल के अंदर आना है। यहाँ पे फिर इनकम टैक्स फॉर्म में, और इनकम टैक्स फॉर्म के बाद इनकम टैक्स फॉर्म्स के अंदर आना है, ठीक है। पहले हम आएंगे ई फाइल में, उसके बाद हम आएंगे इनकम टैक्स फॉर्म्स के अंदर, और उसके बाद आएंगे हम फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स के अंदर, ठीक है। ये स्टेप्स ध्यान रखिए आप। उसके बाद आपको जो फॉर्म भरना है, फॉर्म भरना है 10A। फॉर्म कैसे भरते हैं वो भी मैंने इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, वहां पे आप देख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो दो दो तीन तीन बार देखिए, फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे कॉल कीजिए, मैंने यहाँ पे नंबर दे दिया है, वहां पे कॉल कर सकते हैं। लेकिन कॉल पेड होगी, फ्री नहीं होगी। पेड का मतलब आपको गाइडेंस की फीस देनी है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पर्सन्स नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सोर्स, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए 3 नंबर का जो फॉर्म है टैक्स एग्जम्पशंस एंड रिलीफ का फॉर्म 10A, ये फॉर्म 10A भरना है आपको, और यहाँ पे क्लिक करना है फाइल नाउ के ऊपर। फाइल नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, और वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप भरनी है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज के वीडियो में मैंने आपको ब्रीफ आइडिया दे दिया है। अगर फिर भी कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।